नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल ऑनलाइन अर्निंग स्टोर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में बताने वाला हूँ कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्या है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का CSP का रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का BC एजेंट आप किस तरीके से बन सकते हैं और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में आपको कौन कौन सी और कितनी सर्विसेज मिलती है, तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्या है। तो पेटीएम एक पेमेंट्स बैंक है जिसमें कि कस्टमर्स अपना सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें कि कस्टमर्स को सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का डेबिट कार्ड भी मिलता है, फिजिकली एक जो तो रुपए का डेबिट कार्ड मिलता है। उसके बाद में कस्टमर्स को चेकबुक अगर से लेना चाहता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, तो चेकबुक भी कस्टमर्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक का चेकबुक भी ले सकता है। तो पेटीएम एक पेमेंट्स बैंक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्या है, अब मैं आपको बताता हूं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में आपको कौन कौन सी और कितनी सर्विसेज मिलती है। तो सबसे पहला सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में पेटीएम वैलेट का KYC करने का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप पेटीएम कस्टमर्स का वैलेट का फुल KYC कर सकते हो। तो पहला सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के CSP में पेटीएम वैलेट का KYC करने का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में दूसरा सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के CSP में सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप कस्टमर्स का पेटीएम पेमेंट्स बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। तो दूसरा सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग करने का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में तीसरा सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में कैश विड्रॉल का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट से कैश विड्रॉल कर सकते हो। तो तीसरा सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट से कैश विड्रॉल करने का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में चौथा सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में कैश डिपॉजिट करने का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो। तो चौथा सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में कैश डिपॉजिट करने का सर्विस मिल जाता है। तो चौथा सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में पांचवा सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में मिनी स्टेटमेंट निकालने का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो पांचवा सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकालने का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में छठा सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में मनी ट्रांसफर का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप कस्टमर्स का किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड के जरिए मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो छठा सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में मनी ट्रांसफर का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में सातवां सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में फास्टैग इशू करने का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप कस्टमर्स को न्यू फास्टैग इशू कर सकते हो। तो सातवां सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में न्यू फास्टैग इशू करने का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में आठवां सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में लोन रीपेमेंट का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप कस्टमर्स का लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि होम क्रेडिट, उसके बाद बजाज फाइनेंस, तो जितने सारे कंपनीज के साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने टाइप किया है, तो उतने सारे कंपनीज का आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP के जरिए लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं। तो आठवां सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CSP में लोन रीपेमेंट का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में नौवां सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के
एसपी में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर सकते हैं। जितने भी कंपनीज के साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने टाई अप किया है, तो उतने कंपनीज का आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीएसपी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको कमीशन भी मिलेगा। तो नवा सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीएसपी में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में दसवां सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीएसपी में न्यू डेबिट कार्ड इशू करने का सर्विस मिल जाता है, जिससे कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट यूजर्स को नया डेबिट कार्ड इशू करके दे सकते हो। तो दसवां सर्विस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीएसपी में डेबिट कार्ड इशू करने का सर्विस मिल जाता है। तो यह पूरी 10 सर्विसेस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीएसपी में मिलती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीएसपी में आपको कौन कौन सी और कितनी सर्विसेज मिलती है। तो यह पूरी 10 सर्विसेज आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीएसपी में मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीएसपी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बीसी एजेंट किस तरीके से बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके नज़दीकी एरिया में पेटीएम का बीसी एजेंट है, तो उससे आपको संपर्क करना पड़ेगा और उसको आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे भी एक पेटीएम का बीसी एजेंट बनना है, तो मुझे भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीएसपी का रजिस्ट्रेशन करना है। तो वह पेटीएम बीसी एजेंट आपको पेटीएम एफएससी का नंबर देगा, या फिर पेटीएम का जो भी कोई एम्प्लॉय होगा तो उसका वो पेटीएम बीसी एजेंट आपको नंबर देगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस पेटीएम के एम्प्लॉय को कॉल करना है और उनको बताना है कि सर मुझे पेटीएम का बीसी एजेंट बनना है, मुझे पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीएसपी का रजिस्ट्रेशन करना है। तो वह पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एम्प्लॉई आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज करके लेंगे, जैसे कि आपके पास एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट होना चाहिए, फुल केवाईसी उस अकाउंट का होना चाहिए, उसके बाद में आपका शॉप होना चाहिए। तो वह पेटीएम पेमेंट्स बैंक का एम्प्लॉई आपके शॉप पर आएगा, उसके बाद में आपके शॉप का फोटो वगैरह लेगा, आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीएसपी का रजिस्ट्रेशन करेगा और 8-10 दिन में आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो बीसी आईडी होता है तो वह पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीएसपी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बीसी एजेंट बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्या है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीएसपी का, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बीसी एजेंट का रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीएसपी में आपको कौन कौन सी और कितनी सर्विसेज मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीएसपी के बारे में पूरी जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर से अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज करके लाइक करो। आपके दिल में जो भी सवाल होगा नीचे कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्लीज करके जरूर से बताओ। और अभी तक आपने ऑनलाइन अर्निंग स्टोर YouTube चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं किया होगा ना तो जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑनलाइन अर्निंग स्टोर YouTube चैनल।